हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार टीचर 69,706 वैकेंसीज के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने टीचर के 69,706 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इन पोस्ट के लिए बिना कोई मिस्टेक किए हुए अप्लाई कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट indsarkarinaukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहां पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन शिक्षा विभाग के अंतर्गत यहां पर मिडिल स्कूल टीचर जो कि क्लास 6 से 8 के लिए, टीजीटी टीचर जो कि क्लास 9 से 10 के लिए, और टीजीटी टीचर क्लास 9 से 10 के लिए स्पेशल, और पीजीटी टीचर क्लास 11 से 12 के लिए भर्ती करने जा रहे हैं। यहां पर 69,706 वैकेंसीज हैं जिनको भरने के लिए आपसे आवेदन पत्र मंगाए गए हैं। आप 5 नवंबर 2023 से 14 नवंबर 2023 तक अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके बाद आपको अपना फॉर्म 10 नवंबर 2023 से 25 नवंबर 2023 तक कंप्लीट करना होगा। 14 नवंबर 2023 तक आपको रजिस्ट्रेशन कर लेने हैं। उसके बाद आपको यहां पर अपना फीस पेमेंट करना है और फिर आपको 10 नवंबर 2023 से अपने फॉर्म फिल करने हैं। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। पूरी डिटेल रीड करने के बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए भी लिंक आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर दिया गया है। आपको यहां पर अप्लाई ऑनलाइन का ये लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का ये ऑफिशियल पोर्टल खुलेगा। यहां पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना यूजर नेम, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड एंटर करके लॉगिन कर लेना है और फिर अपना फॉर्म फिल करना है। और अगर आप यहां पर इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहां पर आपको लिस्ट ऑफ लाइव एडवर्टाइजमेंट सेक्शन में आकर स्कूल टीचर हेडमास्टर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, यहां पर इसके रजिस्ट्रेशन 5/11 से 14/11 तक होंगे। यहां पर आपको इसके सामने अप्लाई नाउ के इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहां पर कुछ इस तरह से फॉर्म खुलेगा। यहां पर आकर आपको सबसे पहले अपना नाम एंटर करना है, फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम, और अगर मिडिल नेम लास्ट नेम नहीं है तो इन सेक्शन को खाली छोड़ दे। फिर यहां पर आपको अपने फादर का नाम एंटर कर देना है। उसके बाद यहां पर आपको अपने हस्बैंड का नेम एंटर करना है अगर आप यहां पर मैरिड हो, और उसके बाद यहां पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहां पर आपको अपनी आईडी सेलेक्ट कर लेनी है, कोई भी आधार, पैन या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, और फिर उसका नंबर यहां पर आपको प्रोवाइड करा देना है। उसके बाद यहां पर आपको अपना आधार अपलोड करना है, अपलोड आइडेंटिटी पीडीएफ आपको इस टैब पर क्लिक करना है, और अपना आइडेंटिटी टाइप कोई भी जो डॉक्यूमेंट है उसे यहां पर आपको अपलोड कर देना है पीडीएफ फॉर्मेट में। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप इंडिया के सिटीजन हैं, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहां पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपका परमानेंट रेजिडेंट यानी कि ओरिजिनल स्टेट बिहार है, अगर है तो यस करें, और फिर यहां पर आपको अपना परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट नंबर और उसकी इशू डेट इस कैलेंडर में से सेलेक्ट कर लेनी है, और अगर आप बिहार के परमानेंट निवासी नहीं हो तो यहां पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर करते हैं तो यस करें, और नहीं करते हैं तो यहां पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना होगा। अगर आप बिहार स्टेट से अलग कैंडिडेट हैं यानी कि बिहार स्टेट से किसी और स्टेट के कैंडिडेट हैं तो यहां पर आपको ऑप्शन डिसेबल कर दिया जाएगा। यहां पर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं जो बिहार से अलग स्टेट के हैं। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप अपनी यहां पर आप अपनी कैटेगरी कोड सेलेक्ट कर ले, आप अपनी कैटेगरी EWS, SC, ST जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं यहां पर आपको सेलेक्ट कर लेनी होगी अगर आप बिहार स्टेट से हैं। गाइस, अगर यहां पर आप बिहार स्टेट से बिलोंग करते हो तो यहां पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फिर आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर और इसकी इशू डेट इस कैलेंडर में से सेलेक्ट कर लेनी है, और फिर आपको अपना परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट यहां पर अपलोड कर देना है। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया कि क्या आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो अगर करते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। यस अगर आप सेलेक्ट करते हो तो फिर यहां पर उसके बाद आपको अपनी
अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फिर यहाँ पर आपको अपनी कार सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कार सर्टिफिकेट का नंबर एंटर करना है, वो कब इशू हुआ था वो यहाँ पर आपको इस कैलेंडर में से सेलेक्ट कर लेना है। आपको किसने इशू कराया था, सर्टिफिकेट इशू किसके द्वारा हुआ था, बिहार या फिर अदर स्टेट से, यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें, यहाँ पर आपको बिहार ही सेलेक्ट करना होगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कार सर्टिफिकेट अपलोड कर देना होगा। अपलोड सर्टिफिकेट पीडीएफ ऑप्शन पर क्लिक करें, अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करें और उसे यहाँ पर आप अपलोड कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको आपसे पूछा गया कि क्या आपका ग्रैंडसन या फिर ग्रैंडडॉटर फ्रीडम फाइटर है, एज पर एडवर्टाइजमेंट अगर है तो यस करें। और फिर यहाँ पर उनका सर्टिफिकेट नंबर और उसकी इशू डेट यहाँ पर सेलेक्ट करें, नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं और आपकी पीडब्ल्यूबीडी की परसेंटेज 40% से अबव है, अगर है तो यस करें। और फिर यहाँ पर अपनी पीडब्ल्यूडी की डिसेबिलिटी का नेचर सेलेक्ट करें और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड कराएं, नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आप एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर फीस जमा करोगे, तो यहाँ पर आपको यस या नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप ई-एक सर्विस मैन हैं, अगर है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्थान्तर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक है, अगर है तो यस करें। और फिर अपनी डेजिग्नेशन, स्कूल और डिस्ट्रिक्ट की डिटेल यहां पर प्रोवाइड कराएं, सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, और नहीं है तो यहां पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहां पर आपको अपनी प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुसार इनमें से कोई एक विकल्प चुनना है, यानी कि आपको अपनी क्वालिफिकेशन यहां पर सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, आपने जो भी पास आउट कर रखा है, यहां पर आप सेलेक्ट करें बीएड, एमएड, जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, आप टीचर की पोस्ट के लिए जो मैच आउट करते हो क्वालिफिकेशन, वो यहां पर आप सिलेक्ट कर ले। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता दक्षता परीक्षा वर्ष 2012 से पूर्ण नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक है, अगर है तो पात्रता परीक्षा शिक्षा यहां पर आप ऑप्शन सिलेक्ट करें, नहीं है तो केवल दक्षता परीक्षा यहां पर ऑप्शन सिलेक्ट करें। और फिर उसकी डिटेल यहां पर दे, आपने किस कक्षा के लिए दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण की है, यहां पर आप ऑप्शन सिलेक्ट करें। उसके बाद यहां पर आपको दक्षता परीक्षा संबंधी विवरण यानी कि उसका सर्टिफिकेट नंबर, उसकी इशू डेट सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहां पर आपको अपना ये सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। अपलोड दक्षता पीडीएफ, इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको फाइल को सिलेक्ट करना है और अपनी दक्षता की यहां पर जो क्वालिफिकेशन उसकी पीडीएफ आपको यहां पर अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपसे पूछा गया है आप इनमें से किस विद्यालय अध्यापक की अनिवार्य अर्हता रखते हैं, शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक पद के लिए या फिर कल्याण विभाग के पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग विद्यालय अध्यापक या फिर प्रधानाचार्य के लिए, यहां पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहां पर आपको अपनी लैंग्वेज क्वालिफाइंग पार्ट वन मैंडेटरी है, यहां पर आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहां पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सेलेक्ट कर लेनी है, पहले डे फिर मंथ, उसके बाद आपको ईयर यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहां पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है और उसके बाद आपको अपना यहां पर परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस एंटर कर देना है। फिर यहां पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप इन पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड इसेंशियल क्वालिफिकेशन या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं, तो यहां पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहां पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, फिर वही ईमेल आईडी एक बार फिर से एंटर करनी है कंफर्मेशन के लिए, और फिर वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेनी है। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और गेट मोबाइल ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहां पर एंटर करना है और अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है। फिर आपको एक कैप्चा कोड यहां पर एंटर करना है और उसके बाद आपको फाइनली सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपको यहां पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर, यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करा दिया गया है। आपको इन सभी डिटेल्स को केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अपने सभी डिटेल्स नोट करने के बाद आपको वापस बिहार लोक सेवा आयोग के इसी पोर्टल पर आना है या फिर आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक देना है। फिर आपके सामने यहां पर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का ये ऑफिशियल पोर्टल खुल जाएगा। अब यहां पर आपको अपना यूजर नेम, पासवर्ड जो आपको प्रोवाइड कराया गया है वो एंटर करना है, ये कैप्चा कोड एंटर करना है और लॉगिन बटन पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। यहां पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है। गाइस यहां पर आपका फेस
1 का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर मेनली आपका रजिस्ट्रेशन था, हमने आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखा दिया है। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपना फीस पेमेंट करना है 14 नवंबर 2023 तक। उसके बाद आपको बाकी का फॉर्म फिल करना होगा 10 नवंबर 2023 से 25 नवंबर 2023 के बीच तक। तो यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है, उसके बाद आपको 10 नवंबर से फॉर्म फिल करना होगा। बाकी का फॉर्म फिल करते हुए आपको बस आगे अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और फिर अपना फॉर्म फाइनली सबमिट कर देना होगा। तो यहाँ पर आपको पहले अपना फीस पेमेंट करना है, उसके लिए आपको क्लिक हियर फॉर पेमेंट इस टैब पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको फीस पेमेंट के इस इंटरफेस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करना है, ओके करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपके सामने पेमेंट गेटवे का ये इंटरफेस खुलेगा। आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू फीस पेमेंट कर सकते हो। डेबिट कार्ड अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। गाइज यहाँ पर जनरल ओबीसी और अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए 750 रुपये फीस है। एससी एसटी पीएच फीमेल कैंडिडेट जो बिहार स्टेट के हैं उनको 200 रुपये फीस के रूप में यहाँ पर जमा कराने होंगे। तो यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपका फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, ये ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो छोड़ दें। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी और पेयर नेम यहाँ पर एंटर कर देना है। ये सभी फील्ड्स ऑप्शनल है, अगर आप एंटर करना चाहते हैं तो कर दें, नहीं तो इन्हें खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास रुपया डेबिट कार्ड है तो ऑप्शन सेलेक्ट करें, अदर डेबिट कार्ड है तो वो ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आपको प्रोसीड नाउ ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर रिडक्ट किया जाएगा। यहाँ पर आपको अब कार्ड होल्डर का नाम, कार्ड का नंबर, उसका एक्सपायरी मंथ सेलेक्ट कर लेना है, एक्सपायरी ईयर और उसका 3 डिजिट का CVV नंबर यहां पर एंटर कर देना है और उसके बाद आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहां पर आपका फीस पेमेंट हो जाएगा। फिर आपको अपने डैशबोर्ड में आकर 10 नवंबर 2023 से अपना बाकी का फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म में आपको बस आगे अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल, अपनी बेसिक डिटेल्स और अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके अपना फॉर्म फाइनली सबमिट कर देना होगा। तो गाइस ऐसे आप अपना बिहार टीचर के जो 29,706 खाली पद है उनके लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।